सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
ृहेतोग्रमहाचक्रदश्रोदृशवसुन्दर वराहरूपनिशिभे नारायणि नमस्कृत नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दत्तकृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहित नारायणि नमस्कृत किरीटने महावज्र सहस्रनयनाजले नेत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमस्कृत शिवधोते स्वरूपेण हतदत्या महाबले भोररूपे महारावे नारायणि नमस्कृत दशकलालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमस्कृत लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये सत्ये पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमस्कृत मेधे सरस्वती वरे भूतिभाव्रभितामहे नियते तं प्रसीदेशे नारायणि नमस्कृते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते द्वयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्कृते एतत्ते वदनं सौम्यलोचनत्रयभूषितं वातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमस्कृते ज्वालाकरालमत्योग्रशेषासुरशोधन त्रिशोलम्बाधुनो वीतर्भद्रकाले नमस्कृते हिरस्ते दत्ततेजासि स्वनेनापोयधा जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सदा निवार असुरासिगवसा पङ्कचर्चितस्य करज्वलः शोभाय खड्गभवतु चण्डिकेतामृतादयम् रोगानशेषानपस्थिदुष्टा दृष्टादुकामान सकलानभीष्टा कामाश्रितानां न विपन्नानां कामाश्रितायां शैतां प्रयान्ति एतां कृतायां गजनां प्रयान्त्य धर्मां दिशां देभिः सुराणः रूपैरनेकैर् कृत्वान्विकेतात्रकरादिकान्य विद्यासु शास्त्रेषु विवेकधीरे श्रद्धेषु वाक्येषु चकाश्वधन्य महात्मघर्गे त्रिमहान्धकारे बिभ्रामयन्ते सरदेव विश्वम् रक्षांसि यत्राध्रमिशाशनग यत्रारयोगस्य बलानि यत्र धावानलयात्र दधाभिमध्ये तत्रास्ति धात्वां परिवासि विश्व विश्वेश्वरित्वां परिवासि विश्व विश्वात्मिकाधारयसि विश्व विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ते विश्वाशयाये त्वैभक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनारभिर् नित्यं यथा सर्वदा तदमेव सत्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाश वत्तालपाकलितां च महापसर्ग हृदानां प्रसीदन्तं देवी विश्वाद्यहारिणे ते लोक्यवासिनामेव्य लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सुरगणा परं जन्मनशेषत अवृणत्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारक देवावोचो सर्वभावाधं शमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मदैरिविनाशनम् देव्योवाच देवस्वतन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शम्भनिशम्भजैवान उत्पलते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोधा गर्भसम्भवा ततस्तनाथयिष्यामि विद्याचलनिवासने पुनरप्यधिराजेन रूपेण पृथिवीतले भवतीर्यहनिष्यामि विप्रजित्वा सुधान् वा वक्ष्यन्त्याच्युतानुग्रहं विप्रजित्वान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति धाडिमे कुसमापमा
ततो मां देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सलिलं रक्तधमनिया भूयश्च शतवार्षिक्यम् अनावृष्ट्या मनामसि मुनिभिः संस्कृता भौमा सम्भविष्यामि यो निज तदा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा त्रिविधि मां ततः तदाहमखिलं लोकम् आत्मदेह समन्वयेः भविष्यामि सुराशाकैराविष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यो महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्वेणालभिष्यते पुरश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि वक्षयिष्यामि मणिलान्त्राणकारणात् तदा मामुनयः सर्वे स्पृश्यं ध्यानं सभूर्तयः भीमाधेवीति विख्यातं तन्वेणालभिष्यते यदारुणाख्यश्रैलोक्य महाबाधां गरिष्यते तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा लङ्घे सर्वदा वैलोक्यश्रयितार्थाय वदिष्यामि महासुर ब्राह्मणेति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा बाधा दानवर्था भविष्यते तदा तदा वतीर्याहं करिष्याम्यये सञ्चय सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां विभूति के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसे मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ विभूति का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धान वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान
ऋषभवाच इत्युक्त्वा स भगवती चण्डिका चण्डविक्रम रश्यतामेव देवानां रुद्रेवाधीयत देवि देवानिरातङ्गः स्वादिकालां यथा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रविनयतार्यः दैत्याचरद्यानिहृते शुम्भे देवरिभूयते जगद्विद्वंसनेतस्मै महाग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्य शेषा पातालमायय एवं भगवती देवी सानित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तन्मोयते विश्वम् देव विश्वम् प्रसूयते राजाचिताच विज्ञानम् दृष्टारित्यम् प्रयच्छति ज्ञातम् नयेतत् सकलम् ब्रह्म धर्मेश्वर महाकाल्य महाकाले महामालेश्वरोपय सेवकाले महामाले सेवशिष्टिर्भवत्य चिदम्बराति भूतानाम् सेवकाले सनातने भवकाले नृणाम् सेव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशाय उपजायते सुधा सम्भोजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तत दिवादिवित्तम् पुत्रा च मतिम् धर्मे गतिम् शुभा सिद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिववाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तम येन मन्त्र प्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् नागौजनार्कला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च नान्यासोर्ण च भाषणम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् भवेत् अधिगुह्यतरम् देवी देवानाम विदुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयोनीलो पार्वति मारणम् वाहनम् रक्षम् सम्भनोजाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ गौं हौं क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वलहन्तं लक्षं घट स्वाहा नमस्ते रुद्रलोभिन्ने नमस्ते मधुमर्दने नमः कैरवहारिण्ये नमस्ते महिषासने नमस्ते शम्भरन्ध्रे च निशुम्भासुरघातने जाग्रतमहि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्वे ऐंकारी सृष्टिरूपाय ऐंकारी प्रतिपालिका ऐंकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाति च ऐकारी वरदायिने वेत्ये च वय आदित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे ध्यान धूम धूर्यते पत्नि भ्वां ह्रीं भुं भागधीश्वरि ह्वां क्रीं भुं कालिका देवी शां श्रीं सौम्ये च मङ्गलो ह्वं ह्वं ह्वङ्काररूपिण्ये जं 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 भनाजने भ्वां ह्रीं भ्रौं भैरवीभवते भवाने ते नमो नमः अङ्कं चण्डन्तं पञ्चं षं ग्लीं ऐं ग्लीं हंसं त्रिजाग्रं त्रिजाग्रं द्रोडय द्रोडय नीर्तं परकुल स्वाहा भां ह्रीं भुं पार्वती पुनः भां ह्रीं भुं खेतरी तथा शां श्रीं भ्रं सप्तयशी देव्या मन्त्रसिद्धे परश्रमे निरन्तरं पञ्चकाशतम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वति यस्तु पञ्चकया देवी येनां सप्तयसे पठे ज्ञातस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनयथा अथ दुर्गा पद्मरसक नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगन्मध्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणे प्राहि दुर्गे
Jaya Bhava Kavu Jaya Bhava
उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से
रिधि से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। समय आप भक्तों को जी आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ जगजन्य जगत माता की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज दुर्गाष्टमी ही, भीष्माष्टमी ही और संक्रांति ही। कई बार कुछ ऐसी विशेष तिथि होती है, ऐसा कोई विशेष दिन होता है जिसमें देव कृपा से भक्त से कोई शुभ कर्म होता है जिसका जो है अक्षय फल होता है, पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। और माँ की इतनी कृपा पर कि ऐसे पवित्र योग में जो है भीष्माष्टमी है, गुप्त नवरात्र है, दुर्गाष्टमी है और संक्रांति है। कहते हैं कि संक्रांति के समय जो है संक्रांति होती है, सूरज का एक राशि से दूसरी राशि संक्रमण करना, प्रवेश करना संक्रांति कहलाती है। और जिस समय सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वह जो समय जो होता है उसे पुण्य काल कहते हैं। उसमें किया हुआ जप पाठ स्नान दान जो है कहते हैं वह कई गुना होकर के वह मनुष्य को प्राप्त होता है। तो आज संक्रांति ही, आज सूर्य जो है ये मकर राशि से इसका कुंभ राशि में प्रवेश हुआ है। गुप्त नवरात्र की आज अष्टमी है और फिर भीष्म अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी की, भीष्म अष्टमी की आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं संक्रांति की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को वर्धापन आशीर्वाद। माँ भगवती इसी तरह से आप पर कृपा बनाए रखें और इसी तरह से शुभ कर्म जो है जो माँ आपसे करवाती रहे। भीष्माष्टमी कहते हैं कि मैंने प्रातःकाल बतलाया था कि भीष्माष्टमी क्या है। भीष्म का जन्म का नाम बृहस्पति था, देवव्रत था, गंगे था। और भीष्म जिस समय इन्होंने प्रतिज्ञा की थी अपने जीवन में कि मैं आजीवन भर जो है ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, किस परिस्थिति में की थी, सब प्रातःकाल मैंने बतलाया था। अब भीष्म पितामह जो कौन थे, इनका जन्म जो था कैसे हुआ, इनकी मां जो थी यही सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूजी से, श्रीमद देवी भागवत की कथा है। ऋषि ने जो प्रश्न किया है कि राजा शांतनु जो है बड़े तेजस्वी राजा हुए ही, धर्मशील राजा हुए ही, और जो है उनके जो एक जो पुत्र जो था जिसका नाम भीष्म पड़ा, देवव्रत जो था। अब जो है राजा ने जो है दूसरा विवाह क्यों किया,
पर निषाद करने जो है मदर सुगंध्या, निषाद की कन्या से विवाह किया, क्यों किया, क्या कारण था? फिर उसकी पहले जो रानी जो थी जिससे भीष्म पितामह का जन्म हुआ था, वह कौन थी, क्या होगा, वो कहां चली गई? तो ऐसा प्रश्न जो है सो जी को सुनकर ऋषि ने किया है, और सो जी उनके प्रश्न का उत्तर देते कहते हैं कि अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम शुभम नखेते कर्म झण कोटि सतर भी। बिना भोगे कर्म जब क्षीण होते हैं, सबको अपने कर्मों का फल यहीं पर भोगना पड़ता है, चाहे वह देवता है, चाहे गंधर्व है, यक्ष है, नाग है, मानव है, दानव है, सबको कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है सबको अपने अपने कर्मों का फल जो है इससे मृत्यु लोक में आकर के भोगना पड़ता है। जो कर्मस्थली है, कर्म भूमि है, और स्वर्ग जो देव लोग जो है भोग भूमि है, जब कर्म करता है व्यक्ति तो वहां पर उसका फल भोगता है। जैसा पुण्य कर्म करता है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जब देवताओं के भी पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें भी फिर पुण्य करने के लिए इसी धरातल पर आना पड़ता है। सूर्य जी कह रहे हैं कि महाराज महाविष्णु नाम के एक राजा हुए हैं इक्ष्वाकु वंश में, और वे राजा बड़े धर्मशील राजा थे, प्रजापालक राजा थे, धार्मिक राजा, यज्ञ करना, प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करना, परंतु उनके संतान नहीं थी। कहते कि एक बार वह गंगा तट के नारे जो है भगवान सूर्य का स्तवन कर रहे थे, और उन्हें जो है जे राजा विष की जो मैं कथा बतला रहा हूं, जे राजा जो है इतने धर्मशील राजा थे कि इन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किया, 100 भाजपे यज्ञ किया, और उसके पुण्य के फल स्वरूप जो है उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई तो कहते हैं कि एक बार बराया महावीर जो थे ब्रह्म सभा लगी थी ब्रह्मलोक में, वहां ब्रह्मा के पास गए, सब देवगण वहां पर बैठे हुए थे, जे भी उस सभा में बैठे थे, और वहीं पर देव नदी माँ गंगा भी वहां पर आई थी। जे राजा विश्व और जो है वह गंगा जो है जे एक दूसरे की ओर एक तक देख रहे थे, ब्राह्मण जब देखा कि दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए प्रेम पास में बन चुके हैं, तो ब्रह्मा को जो ठीक नहीं लगा कि सभा में इस प्रकार से ऐसा, तो उन्होंने दोनों को शाप दिया, राजविश को शाप दिया कि आपने इतने शुभ कर्म किए, देव ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है, और मैं तो शाप देता हूं कि आपको फिर मृत्यु लोक में जो है जन्म लेना होगा, फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा, और वहां जाकर के जब बहुत पुण्य करेगा फिर जो है आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उधर माँ गंगा को भी जी शाप जो था ब्रह्मा ने उसे भी दे दिया कि आप भी जो है मृत्यु लोक में आपको रहना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। आप दोनों वहां से चले, क्षण है, दुखी है, क्या हुआ? उधर कहते हैं कि माँ गंगा जो है जो जा रही थी उसी समय अष्टवसु अपनी स्त्रियों के साथ जो है महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे थे, और वहां जब वहां पहुंचे तो ऋषि आश्रम में थे नहीं, वे वन में कंदमूल फल लेने के लिए गए थे, आश्रम में कोई था नहीं, वहां पर ही अष्टवसु बैठे अपने स्त्रियों के साथ जो है ऋषि के साथ मिलने के लिए आए थे, और वहां उन्होंने नंदिनी नाम की गौ जी थी, वशिष्ठ के पास गौ थी जिसका नाम नंदिनी था, उसे देखा
और देव नाम सबसे बड़ा ज्येष्ठ पशु जो था, उसने अपनी पत्नी को उस गौ का महत्व बतला दे, कहा कि ये ऐसी गौ है जो भी कोई इसका दूध पान कर ले तो उसकी आयु 1000 वर्ष तक हो जाती है, उसे जीवन में कभी कोई रोग नहीं लगता, उसकी जवानी जो सदा बनी रहती है, ऐसी ये अद्भुत गौ है। तब जो उनकी पत्नी ने कहा कि मृत्यु लोक में राजा उसी न रहे, उनकी पुत्री जो मेरी सखी है, इसलिए आप इस गौ को ले चलिए और मैं चाहती हूँ मेरी वह सखी जो है इस गौ का दूध पान करे और उस पर दीर्घायु को प्राप्त हो, निरोगी रहे, उसकी जवानी सदा बनी रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। अब देव बसु जो था वह चोरी करना चाहता नहीं, परंतु स्त्री ने कहा तो चोरी करना पड़ी। अब बाकी 7 भाई भी उसके साथ थे, तो उन्होंने विशिष्ट के आश्रम से जो है नंदिनी गौ जो थी चुरा ली, बछड़े सहित जो है वहां से ले गए, चले गए। जब ऋषि जब वापस वन से अपने आश्रम पहुंचे कंदमूल फल लेकर के, तो उन्होंने देखा कि वह गौ वहां थी नहीं। अब गौ माता को वह ढूंढने लगे वन में जाकर के कंदरों में, कहां चली गई। जब बहुत प्रयत्न करने पर नहीं मिली तो ऋषि ने ध्यान लगाया, देखा उसे तो बसु जो है चुरा करके ले गई। तब कहते को समय विशेष ऋषि ने उन बसों को शाप दे दिया, आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। जब उनको पता चला तब कहते हैं बसु जो है वह ऋषि के पास आए, आकर के उनसे क्षमा प्रार्थना की, हमसे अपराध हो गया, क्षमा कीजिए महाराज। जब बहुत प्रार्थना की तब ऋषि ने कहा जो शाप दे दिया है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, परंतु 7 पशु जो हैं ये आपके साथ है, चोरी तो आपने की, ये 7 पशु जो हैं एक एक वर्ष के बाद जो हैं ये तो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु आपको ज्येष्ठ पशु देव नाम का पशु जो था उसको कहा कि आपको बहुत समय तक जो मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। उधर 8 पशु जब आए तो माँ गंगा के साथ उनकी भेंट हुई, उन्होंने माँ गंगा को प्रणाम किया और माँ से कहने लगे कि माँ ऋषि ने हमें शाप दिया है, मृत्यु लोक हमें जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य के शरीर से, हमारी ये इच्छा है कि आप मृत्यु लोक में हमारी जननी बने। माँ गंगा, क्योंकि गंगा को भी शाप है और इधर इनको भी शाप मिल गया, तो माँ गंगा भी सोच रही थी, तो उसने कहा कि ठीक है जब मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना है तो ठीक है मैं आपकी जननी बनूंगी। अब जो है समय बीता, उधर राजा महावेश जो थे अब जे भी सोच रहे थे कहां जन्म लेना है। इधर जो है राजा प्रदीप इस मृत्यु लोक में जे बड़े धर्मशील राजा हो गए, तो जे गंगा तट के किनारे जो है भगवान सूर्य का श्रवण कर रहे थे, इनके संतान नहीं थी, भगवान सूर्य का श्रवण कर रहे थे, उसी समय जो है माँ गंगा जो थी कन्या गृह में आकर के उसकी दाई गंगा पर आकर के बैठ गई। राजा प्रदीप ने देखा और पूछा कि भरणने आप कौन हो और किसने यहां आकर के मेरी गोदी में बैठे हो, तो उन्होंने कहा कि राजन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तो राजा ने कहा जिस स्थान पर दाएं अंग में जो है आप मेरी जहां पर विराजमान हुई हो, जिस स्थान जो है पुत्री और पुत्र वधु के लिए, इसलिए आप मेरी पुत्र वधु जो बन जाओ और आपकी कृपा से मेरे घर जो है एक योग्य संतान हो। उसने कहा ठीक है, वह कन्या वहां से अंतर्ध्यान हो गई, अद्भुत कन्या थी। अब राजा चले आए, कालांतर जो है कुछ समय के उपरांत जो है उनके घर जो है
पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम जो था उन्होंने शांतनु रखा। जिस शांतनु वो ही थे जो राजा महाविष थे। अब महाविष राजा जो थे अब शांतनु के रूप में जिन्हें ब्राह्मण शाप दिया था अब राजा प्रदीप के घर में पुत्र के रूप उत्पन्न हुए। पुत्र बड़ा हुआ तो राजा के मन में इच्छा हुई कि मैं तप करूं जंगल में जाऊं। अब बेटा योग्य है तो जो है इसको राजपाट दे देना। पहले राजा यही करते थे पुत्र योग्य हो जाए राजकुमार योग्य हो जाए तो राजपाट से देख करके वे तप करते थे पर लोग कल्याण के लिए। तब जो उन्होंने जो है उसका राज्याभिषेक किया राजपद दिया और फिर कहा बेटा जीवन में कभी इस प्रकार से अत्यंत सुंदर कन्या कहीं वन में चलते हुए आपको मिल जाए। वो स्थान बतला दिया क्यों सोर तो उससे बिना पूछे कि वह मानव कन्या ही देव कन्या ही नाग कन्या ही गंधर्व कन्या ही बिना पूछे जो है उससे विवाह कर लेना तेरा कल्याण होगा। तुझे तेजस्वी बालक प्राप्त होगा इस कुल का जो है वह नाम रोशन करेगा। अब जो है राय प्रदीप तो चलेगी वन में तप करने के लिए भगवती की आराधना की तप किया और माँ के आशीर्वाद से जब श्रीकांत हुआ तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इधर शांतनु जो थे वे भी बड़े धर्मशील राजा हुए और धर्म के मार्ग पर चलते थे। कहते हैं वो चलते चलते उन्होंने शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे तो इनको जो है उस कन्या के दर्शन हुए। अद्भुत कन्या है ऐसा रूप है कि साक्षात लक्ष्मी ही स्वर्ग लोक से उतर करके नीचे आई हो ऐसा से श्रृंगार किया हुआ है। उसके दर्शन हुए राजा एक तक देख करके जो है आश्चर्यचकित हुआ और उसे याद आ गया पिता ने जो बात कही थी ये कन्या तो वही है। घोड़े से नीचे उतरे और जा करके उससे कहा कि आप नाग कन्या देव कन्या है यक्ष कन्या आप जो भी हैं इससे मुझे कुछ नहीं लेना लेकिन इस समय मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप मुझे अपना पति भी स्वीकार कर लें। अब माँ गंगा जानती थी ये राजा जी वही वेश है जो इस समय शांतु के रूप में यहां पर आए हैं वो तो जानती थी भली प्रकार से परंतु शांतु नहीं जानते थे। अब उसने कहा कि आप जैसा ऐसा योग्य राजा जिसको प्राप्त हो उसका वर्ण क्यों ना करें परंतु मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है आप पहले प्रतिज्ञा ले लें। राजा ने कहा कि ठीक है बतलाइए क्या शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूं। प्रतिज्ञा करवाई और जब उन्होंने कहा कि आप जो हैं मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं परंतु मेरी ये शर्त है कि मैं कोई भी कार्य करूं अच्छा हो या बुरा हो आप मुझे रोकेंगे नहीं और कभी भला बुरा भी नहीं कहेंगे और यदि आपने ये शर्त तोड़ दी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है मुझे स्वीकार है। विवाह हुआ राज्य में आनंद ही आनंद है। कालंद कुछ समय के उपरांत जो है उनके घर जो है संतान ही पुत्र हुआ और माँ गंगा उस पुत्र को लेकर के चल पड़ी। आगे आगे माँ गंगा और पीछे राजा शांत चल रहे हैं। ये प्रश्न किया ऋषियों ने जो है कि क्यों जो उन्होंने अपने पुत्रों को ही मार दिया था कौन थे कारण क्या था तो जो मैं आपको बतला रहा था कि सब अपने कर्मों का फल होता है। पहली संतान हुई उस बच्चे को लेकर के माँ गंगा जो है वह चल पड़ी। आगे आगे माँ गंगा पीछे जो है शांतनु राजा जो है चल रहे कहाँ जा रही है पुत्र को लेकर के और गंगा तट के किनारे गए तो पुत्र को गंगा में फेंक दिया पहला पुत्र। अब राजा यदि उससे पूछता है कि किस लिए ये सब किया क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि आप मुझे पूछेंगे नहीं कुछ कहेंगे भी नहीं। चुपचाप माँ गंगा आई घर आई भू राजा पीछे पीछे चले आए। दूसरा पुत्र हुआ उसका जो ही हाल तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा सात पुत्र जो है सब के सब जो है गंगा में बहा दिए। अब आठवां पुत्र जब हुआ तो कहते हैं कि राजा शांतनु ने
रानी के पैर पकड़ लिए। भविष्य में मेरे घर संतान हो कि ना हो क्या पता, और मुझे ऐसे लग रहा है मेरे कुल का ही नाश कर देगी। कैसी मां है अपने पुत्रों को जो है जी डुबो देती, मार देती है। उसने प्रार्थना की पैर पकड़ करके, क्या आप इसके बदल में कुछ भी मुझसे मांग लो, देने के लिए तैयार हूं। सात पुत्र जो है अपने मार दिए हैं, एक पुत्र जो अब जो है इसका मैं पालन करना चाहता हूं, मेरा वंश तो पीछे रहे, मेरा कुल कैसे चलेगा, इसलिए इसका मैं पालन करना चाहता हूं, इसको जीवन दान दीजिए। प्रार्थना की, गंगा रुकी नहीं, चल पड़ी। बच्चे को लेकर जैसे चल पड़े तो राजा को क्रोध हुआ, तो कैसे दुष्ट है। अब जो है जो मुख में आया बोलना शुरू कर दिया राजा ने, और मुझे तुझसे क्या करना, तुझ रह जा, लेकिन मेरा पुत्र दे दे। अब जो कुछ बोल सकते थे उन्होंने बोला, रानी चुप रही, और अंत में जो है रानी ने कहा कि राजन, इस पुत्र को मैं भी जीवित रखना चाहती थी, परंतु आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अब मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, जाने रहूंगी। ये पुत्र जो है बड़ा होनहार बालक होगा, आप जो जान लीजिए मैं गंगा हूं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा अवतरण हुआ है, मैं जहां पर आई हूं और आपके साथ मेरा विवाह होगा। और आप कौन हैं, राजा विष जो है आपको और मुझे दोनों को ब्रह्मा ने शाप दिया था, मैं जानती हूं आप भूल चुके हो। इन बसों के दोनों जो है जिस साथ जो है मैंने जल में डाल दिए, क्योंकि जो ऋषि का शाप था कि एक वर्ष के उपरांत जो तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा, आप अपने लोक को प्राप्त हो जाओगे, परंतु जो बड़ा जो ध्रुव नाम का जो बसु है इसको बहुत समय तक जो है मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, बहुत समय तक। इसलिए ध्रुव नाम का जो बसु जो है जे मेरे नाम से प्रसिद्ध गंगे इसका नाम है, देवव्रत जो है, अभी तो मैं इसे आपको इसे नहीं दूंगी। जहां पर मेरा और आपका मिलन हुआ था, जहां पर मैंने आपको पति रूप में स्वीकार किया था, जब बड़ा हो जाएगा, इस समय अपने साथ ले जा रही हूं, जब बड़ा हो जाएगा तब जो है मैं आपको वापस लौटा दूंगी। इस समय जब मेरे साथ चल, क्योंकि मां के बिना पुत्र का रहना, उसका पालन पोषण बड़ा कठिन है, आप नहीं कर पाओगे। इतने कहकर मां गंगा पुत्र से विवाह से अंतर ध्यान होगी। बोलो सच्चे द्रव्य। अब राजा जो है अपने राज्य में रहते हैं और इस प्रकार से बड़ा दुखी है, राज्य तो चला रहे हैं परंतु अशांत है, कोई शांति नहीं है। समय बीता, एक दिन जो है वह बन की ओर उसने प्रस्थान किया, चला गया। चलते चलते जो है गंगा तट के किनारे पहुंचा, और वहां पर गंगा में बहुत कम जल था, देख कर आश्चर्य हुआ। तब जो है सामने देखा कि बालक जो है, नौजवान बालक जो है वहां खेल रहा था। खेल क्या था कि वह दंड मान उसके पास था, वह दंड पर भाण चढ़ाता, उससे मारता। इस तरह से वह दंड बाण की उसकी क्रीड़ा जो थी बड़ी सावधानी से जो है, और देख करके इतना हाथ साफ था कि राजा विचार करने लगे कि ऐसा ज्ञान मुझे भी नहीं है, इस बालक को इतना ज्ञान है। तो राजा उसके पास चले गए, उस समय उसे ये बोध नहीं था कि कहीं जो मेरा ही बालक तो नहीं है, ऐसा जो कौन बालक है। तो वह उसके पास जाकर के उसने पूछा कि आप कौन हो, उससे सुना नहीं परंतु वह तीर चलाता रहा। थोड़ी देर के उपरांत जो है वह बालक जो अंतर ध्यान हो गया। जब अंतर ध्यान हुआ तब जो उसे ध्यान आया, कहीं जो मेरा ही बालक नहीं था क्या। कहते फिर गंगा किनारे बैठ करके माँ गंगा का स्मरण किया, माँ को याद किया। जब याद किया तो मां गंगा उसी रूप में राजा के सामने प्रकट हो गई। तो राजा ने कहा कि अभी कुछ समय पहले एक बालक यहां खेल रहा था, पर बालक कौन था। मां गंगा ने कहा कि वो आपका ही बालक था, अभी आप उसे आप ले जा सकते हैं। जी
ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में से रख करके ही मैं समस्त शास्त्र विद्या धनुर्विद्या सब प्रकार की विद्याओं से ये संपन्न है। इसके समकालीन कोई भी जो है इसके योग्य नहीं होगा इस संसार में सृष्टि पर जो है इतना शक्तिशाली। कहते हैं कि जिस समय भीष्म पितामह जो है महाभारत के युद्ध में जो है एक तरफ जो है अर्जुन है दूसरी तरफ भीष्म पितामह है और जिस रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण वह रथ भी जो है जब जो है भीष्म पितामह जो है तीर मारते थे बाण मारते थे वह रथ जो जिस पर भगवान बैठे हुए धक्का खाकर पीछे चला जाता था और 10 दिन तक जो लगातार जो है वह कौरव सेना के सेनापति रहे और उन्हें पराजित करना कठिन हो गया था और उन्हीं से उपाय पूछा गया कैसे आपको पराजित कर सकते क्योंकि जब तक भीष्म पितामह रहा है तब तक जो है कौरव पर विजय प्राप्त करना असंभव था और उसे इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो ये बालक जो है माँ गंगा कहती है अब इसको स्वीकार कीजिए अब राजा बड़ा प्रसन्न होगा मुझे पुत्र मिल गया। पुत्र को लेकर के जो है राज्य पहुंचा बहुत बड़ा स्वागत हुआ है और वहां पर जो है उसे युवराज के पद पर जो अभिषेक किया गया और इस तरह से अब राजा खुश है किसी प्रकार की चिंता नहीं है बड़ा आनंदित है। अब कहते कि एक बार राजा शिकार खेलने के लिए गए हुए थे चलते चलते जो है वहां पर जो ने सुगंध आने ने कमल पुष्प की उस ओर गए तो देखा मत्स्य गंधा निषाद राज की कन्या जिसका नाम सत्यपदी था उस समय मत्स्य गंधा इसलिए उसका नाम था कि उसका जन्म जो था मछली के पेड़ से हुआ था। दैवी कथा थोड़ी लंबी है मैं बताऊंगा नहीं अभी तो इसलिए उसका नाम क्योंकि मछली जैसे उसके से गंध आती रहती थी। पराशर ऋषि ने उसे वरदान दिया था उससे पहले ब्यास जी का जन्म उसी से हो चुका था जो पराशर ऋषि 60,000 वर्ष जो जिन्होंने तप किया और इंद्र नेत्र प्रजनन किया उसकी तपस्या भंग हो जाए परंतु वह कभी सफल नहीं हुए। आज ऐसी परिस्थिति हुई पराशर ने जब जो है उस कन्या को देखा उस पर मुग्ध हुए और जो है तो उन्होंने कहा देखिए आप ऋषि हैं तपस्वी हैं और इस प्रकार से ये उच्च नहीं मैं तो मदद से गंदा हूं। तब कहते उन्होंने जो है उसको जो है अपने वरदान से तपोबल से जो है उसको सुगंधमय कर दिया कि ये तो दिन का समय है तो उसने तपोबल से जो है अंधकार कर दिया परंतु काम को रोक नहीं पाए क्योंकि कोई विशेष कारण होता ही। अब उस ऋषि के संयोग से जो है उस सत्यवती के जो जो पुत्र हुआ था वह व्यास जी हुए और व्यास जी जन्म लेते ही पूर्णावस्था में आ गए तब करने के लिए चले गए इधर ये सब भगवान की लीला है तब क्या होना है। अब जो है जब जो है राजा शांतनु से देखा तो उस पर मुग्ध हुए और निषाद राज से प्रार्थना की इसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए परंतु ने कहा कि मुझे कोई अब जो है मैं जो है इसके लिए मानने के लिए तैयार हूं परंतु इसका जो बालक होगा वही राजा होगा दूसरा और कोई नहीं। तो राजा चुपचाप वापस लौटा है बीमार हो गए। जब देवव्रत को पता चला कि पिताजी की बीमारी का कारण जो है तो वह निषाद राज के पास गए वहां जाकर के उनसे जांचना की कि आप अपने कन्या मेरे पिता के लिए उसके साथ इनका विवाह कर दीजिए तो उन्होंने वही बात उनके सामने रख दी मुझे कोई इतराज नहीं है परंतु इसका जो बालक होगा वही राजा होगा दूसरा कोई नहीं। तो उन्होंने कहा मैं वचन देता हूं मैं मुझे राजपद नहीं चाहिए मुझे पिता चाहिए पिता ठीक रहे और जो वह सुखी रहे खुश रहे प्रसन्न रहे तो उनकी प्रसन्नता के लिए जो है इसलिए मुझे मैं राज्य को ठुकराता हूं वचन देता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप तो वचन दे रहे हैं आप जो है राजगद्दी जो ठीक है त्याग करते हैं इसी के बच्चों को दे देंगे परंतु यदि जो है आपका पुत्र जो है मेरे धोत्र से राज्य को छीन लेगा उसको निकाल देगा तो क्या होगा। तो कहते हैं उस समय देवव्रत ने प्रतिज्ञा की भीष्म प्रतिज्ञा इससे उनका नाम भीष्म पड़ा था। सभी देवताओं को साक्षी मान करके जो है कहते उस समय देवगण भी जो है देवी देवता वहां साक्षर प्रकट हो गए थे जब उसने प्रतिज्ञा की थी मैं सभी देवताओं को देव देवताओं के साक्षी मानकर देव को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा मैं विवाह ही नहीं करूंगा इसी का पुत्र
राजा होकर बोले सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से पिता को उन्होंने प्रसन्न किया, और पिता जब प्रसन्न हुए तो पिता ने अपने पुत्र को जो है उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। ये पिता का आशीर्वाद था उसे कि आपकी जब इच्छा होगी तब आप मृत्यु स्वीकार कर सकते हैं, ऐसे काल भी आपके सामने नहीं आ पाएगा, जो पिता ने आशीर्वाद दिया था। इस प्रकार से आज की जो कथा जो थी भीष्म पितामह की, कहते हैं आज के दिन इस कथा का श्रवण करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन सुखी होता है। तो फिर आपको जहाँ सौभाग्य प्राप्त हुए माँ के दरबार में श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनने का, तो माँ की इसी तरह से कृपा बने रहे, भगवती आपकी सब ओर से आपका कल्याण करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके सभी कष्टों को दुखों को दूर कर करके आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा श्री जयपुर से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देने से मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री जयपुर जी। जयकारा की जय, सत्य की ज्योति धर्म का दीप ज्ञान उजाला खिल रहा माया, शोभा में गाऊं मई तेरे भवन की, आज उजाला कर दे धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ, शोभा में गाऊं मैं तेरे भवन की, आज उजाला कर दे माँ, आज उजाला कर दे माँ, सत्य की ज्योति धर्म भवन की, और
जयकारा मेरे शरावली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की
ਕਿਵੇਂ ਮੁਖੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾਵਾਂ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾਵਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਲੋਕ ਛਾਨ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਲੋਕ ਛਾਨ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਿਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਈਆ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਸੱਜ ਸੱਜ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਅੱਜ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਮਈਆ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਸੱਜ ਸੱਜ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਅੱਜ ਰਜ ਰਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਧੋਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਚੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਧੋਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਚੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਧੋਰ ਨਾ ਸਾਚੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨਾ ਭਰਿਆ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨਾ ਭਰਿਆ ਦਰਬਾਰ
कंपा से आप भक्तजनों को संकल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में विशेषतया आज जो दुर्गा अष्टमी, भीष्म अष्टमी एवं संक्रांति के दिन जो है माँ के चरणगुप्त नवरात्र भी हैं, और ऐसी पवित्र वेला में जो है माँ के दरबार में आकर के आरती की पवित्र वेला में माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुए है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में आपको बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे, और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके गृहस्थ में सदा सर्वदा मंगली मंगल हो। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधि के शरण है त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्ते। इस परम पवित्र वेला में आपसे भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव शर्मान सस्मे भव प्रज्ञा भाने भव भूर्भुवः
धरणी धाने कनिष्ठ तेजस्वी भव धैर्य गर्भ जलनी व्यापार दक्ष भव शिर शंबर पाद पनत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रु नाम बुद्धि नाशोस्त मित्र नाम देश शरीर वर्चस्व आयुष आरोग्यम विदात शुभमान महियति धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सरम दीर्घमाज अस्त दीर्घमाज माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली देते हैं। ओम जय Oh,
खड़गम चक्र गदेश चाप वेदाम चोलंब शंडिं चिरा शंखम संधरिं करेतलेना सर्वांग भूषा विदाम नीलाश्मक जिमास पाद दशकम सेवे महाकालिकाम जामस्तो समिवेदानो मधु केतवम अच्छा सर्परशम कलेश पुरुषम पदमं धनुष्कुंडिकाम दंतम शक्तिमशिम चरम जलजम दंतासुरामाजनम चोलम पादद दर्शने चर्चे हस्ते पतम नायनाम सेवे सेव वर्धनी महिमा लक्ष्मी सर्वयस्थिताम गंता शूल हराण संगम सलिल सर्वम तमोसायकम शीता सुधल्या प्रवाम गौरी देव समुद्धि जगता आधार भूता महा पूर्वा मत सरस्वती मनुभजे शुंभादिनी तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु तुमेव तुमेव विद्या दयनं तुमेव तुमेव सर्वं महदेव देव शांताकारं विश्वादारं गगनचुद्धिजं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवेदानवंगं वंदे विष्णो भवहं सर्वलोके अस्तुतं केशवं रामनारायणं श्रीरामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकामयोऽहं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुरारे निवारे गोविन्द गोपाल मथंति चोरे ज्ञानं भजेहि विद्यापदेहि भगवन्नमस्तुते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्वांति देने वाली माता तेरी सदा बुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा रम करा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जकरा शरवलिदा।